ओके सो आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है वो है बेसिकली 44 सेक्शन। 44 सेक्शन जो हम लोग को देखना है उसमें कुछ सेक्शंस हम लोग ने दो सेक्शंस हम लोग ने कल ही कवर कर लिए थे। एक बार जल्दी से मैं रिकैप कर देता हूँ। कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स 44AA, इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है 44AA। 44AA सेक्शन ये कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको हम लोग ने कल ही हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए था क्या, इसमें कि अगर कोई पर्सन है स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है और अगर उसका ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से एक्सीड करता है, ठीक है ना, ऑफ द 3 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग एनी ईयर ऑफ द 3 ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के पहले के 3 सालों में किसी भी साल 1.5 लाख अगर क्रॉस करता है देन उसे देन सॉरी 1.5 लाख क्रॉस नहीं करता है देन नो स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसे स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, कैश बुक, जर्नल, लेजर, कार्टून कॉपी ऑफ बिल्स एक्सीडिंग 25 रुपीज, नेक्स्ट ओरिजिनल बिल्स, ये सब रूल 6F में बेसिकली डिफाइन किया गया है स्पेसिफाइड बुक्स कौन कौन से होंगे। तो अगर आपका 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है रिसिप्ट तो आपको स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे जो आपका असेसिंग ऑफिसर कहेगा आपसे, असेसिंग ऑफिसर यू कैन से टैक्स ऑफिसर। देन पर्सन कैरिंग आउट स्पेसिफाइड प्रोफेशन और अगर उसका टर्नओवर या सॉरी रिसिप्ट्स 1.5 लाख क्रॉस कर जाता है देन उसे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 6F, तो 6F में जो दे रखे हैं बुक्स वो सारे बुक्स मेंटेन करने पड़ेंगे। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पर्सन कैरिंग आउट नॉन स्पेसिफाइड, अगर आप नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है या बिजनेस में है और अगर आपका टर्नओवर या रिसिप्ट सॉरी इनकम प्रॉफिट की बात हो रही है या रिसिप्ट्स की बात नहीं हो रही है, अगर आप बिजनेस में है या नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है और अगर आपका इनकम यानी प्रॉफिट अगर 1,20,000 से ज्यादा नहीं है और टोटल सेल या टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट्स साल भर में 10 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, देन नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको कोई भी बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, पर्सन कैरिंग आउट नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन और बिजनेस और अगर आपका इनकम 1,20,000 को क्रॉस कर जाता है और टर्नओवर साल भर में 10 लाख को क्रॉस कर जाता है देन आप अगेन आपको कोई स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे जो AO आपसे कहेगा करने के लिए। ओके, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में लीगल, मेडिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, ओके, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, ये सब चीजें, इंटीरियर डेकोरेशन, एनी अदर नोटिफाइड प्रोफेशंस, ये सब कवर होते हैं। फिर हमें देखना था क्या, कंपलसरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स सेक्शन 44AB। 44AA तो कहता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर हम लोग ऐसे समझना चाहें एक शॉर्ट लैंग्वेज में तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 44AA क्या कहता है, ये हमसे कहता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ठीक है ना, देन ये क्या कहता है, टैक्स ऑडिट, ठीक है। तो 44AB क्या कहता है, कंपलसरी ऑडिट कह लो या टैक्स ऑडिट की बात करता है। तो टैक्स ऑडिट सिंपल सी बात करता है, अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, अगर आपका बिजनेस है और उसका अगर टर्नओवर, ठीक है ना, टर्नओवर की बात कर रहे हैं, टर्नओवर का मतलब सब लोग समझते हैं, अगर आपका बिजनेस है तो टर्नओवर देखेगा, ठीक, और अगर आपका प्रोफेशन है तो रिसिप्ट्स देखेगा, ठीक, अगर आपका बिजनेस है, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़, ठीक है ना, 1 करोड़ शायद ये बढ़ चुका है, मैं एक बार बुक में रेफर कर लेता हूँ, आई थिंक 2 करोड़ हो गया, पहले 1 करोड़ था। 44AB नहीं, अभी 1 करोड़ ही इस फिलहाल बुक में मेंशन है, यानी हम लोग के जो लॉ के अनुसार जो हम लोग को पढ़ना है,
अगर आपका टर्नओवर क्रॉस कर जाता है, दैट मींस ग्रेटर देन 1 करोड़ है, और अगर आप प्रोफेशन में हो, आपकी रिसिप्ट साल भर में कितने को क्रॉस कर जाती है, 50 लाख को क्रॉस कर जाती है, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो आप किस में आ जाओगे, आप कंपलसरी ऑडिट में आ जाओगे। कंपलसरी ऑडिट मतलब आपको टैक्स ऑडिट कराना ही कराना है, ठीक है। तो कहने का मतलब सबको समझ में आ गया होगा कि टैक्स ऑडिट और एबी सेक्शन, ये सेक्शन क्या कहता है, अगर आपका बिजनेस है और आपका टर्नओवर अगर 1 करोड़ क्रॉस करता है, देन आपको टैक्स ऑडिट करना कंपलसरी है। बिना टैक्स ऑडिट के आपका रिटर्न फाइल नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी आप सपोज करो साल भर के बाद अपना जब रिटर्न फाइल करते हो, एनुअल रिटर्न, आपका रिटर्न एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा बिकॉज विदाउट ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट के लिए आपको करना क्या होगा, आपको जाना पड़ेगा, आपका अगर बिजनेस है ऐसा तो आपको सीए के पास जाना होगा और उसे जाहिर सी बात है अपने बुक्स का ऑडिट आपको उससे करवाना होगा। उसके लिए आपको उसको फीस भी देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट प्रोफेशन 50 लाख से ज़्यादा, देन आपको यानी आपको रिसिप्ट जो है वो साल भर में 50 लाख क्रॉस कर जाता है, देन आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। बिना टैक्स ऑडिट के यानी रिपोर्ट्स के, ऑडिट रिपोर्ट के, आपका ITR इनकम टैक्स रिटर्न एक्सेप्ट ही नहीं करेगी डिपार्टमेंट। लेकिन हाँ, अगर इससे कम है टर्नओवर, देन आप इजीली अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आपको किसी भी ऑडिट रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा सेक्शन 44AB, ठीक है। तो किससे कराना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराना पड़ेगा। बिफोर ड्यू डेट आपको ये ऑडिट करानी है, ठीक। इसके लिए फॉर्म्स आते हैं 3CA, 3CB along with 3CD, ठीक है ना। और अगर नहीं करते हो तो क्या होगा, आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है। अगर आप टैक्स ऑडिट नहीं कराते हो देन पेनाल्टी देखिए कितनी है। पेनाल्टी है विच एवर इज लोअर, ठीक है, विच एवर इज लोअर। पहला पॉइंट क्या है, 0.5% ऑफ टर्नओवर, ठीक है ना, या फिर कह लो रिसिप्ट्स। दूसरा नंबर 1,50,000, 1.5 लाख रुपए, या फिर आपके टर्नओवर का 1.5%, ठीक है, विच एवर इज टर्नओवर। मतलब समझते हैं सब लोग, टर्नओवर मतलब क्या होता है, टोटल सेल। आपकी सेल्स का सीधे 0.5% या फिर कह लो 1.5 लाख रुपए, जो दोनों में से कम होगा वो पेनाल्टी आपको भरनी पड़ेगी अगर आपने टैक्स ऑडिट नहीं कराया तब। एनुअल सेल का सर, क्या चीज, एनुअल सेल का? हाँ, एनुअल सेल का, पूरे साल भर की सेल का आपको ये क्या करना पड़ेगा, आपको ऑडिट करानी होगी। सॉरी, एनुअल सेल का 0.5% ये पेनाल्टी है, पेनाल्टी का अमाउंट है, ठीक है। मेरी आवाज को, सॉरी, मिल रही है ना आवाज? यस सर। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया 44AB, अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला सेक्शन है, ये तो यहाँ तक हम लोगों ने कल भी स्टडी कर लिया था। यहाँ पे भी देखो नीचे फाइन पेनाल्टी लिखी हुई है, 0.5% ऑफ टोटल सेल टर्नओवर या फिर रिसिप्ट्स और सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 1.5 लाख। अब अगला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, वो है क्या, प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन, ठीक। अच्छा, कई लोग का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर इससे कम हो तो ऑडिट नहीं करा सकते, आप अपनी इच्छा से कराना चाहो करा सकते हो, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है। तो अगला जो सेक्शन जो आएंगे प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम में आएंगे, तो ये होता क्या है प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम, प्रिज्यूम करना, एज्यूम करना, एज्यूम से एक वर्ड से कनेक्टेड लग रहा होगा आपको, तो ये प्रिज्यूम की बात हो रही है। ओके, एक मिनट। ओके, सो एक बार
बच्ची कॉल कर रही है, उसको शायद मैंने लिंक नहीं भेजा। सर एक क्वेश्चन था सर, बोलिए सर, ये जो पेनाल्टी लगता है सर, इसको कब तक पे करना होता है सर? जाहिर सी बात है, अपना रिटर्न फाइल करने से पहले, आप जो भी अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं उससे पहले आपको ये पेनाल्टी देना पड़ेगा, ठीक है ना? बिना उसके रिटर्न फाइल करने आपको पेनाल्टी एक्सपेंसेस जमा करने होते हैं, ठीक है सर? एडवांस रिटर्न फाइल करने से पहले क्या चीज? एडवांस रिटर्न फाइल करने से पहले। एडवांस रिटर्न क्या होता है? रिटर्न होता है, एडवांस रिटर्न क्या होता है? डिले सब कुछ आपने किया तो डिले रिटर्न का तो ऑलरेडी इंटरेस्ट है। मॉर्निंग सर। जो डिले रिटर्न फाइल करते हो तो उस पर ऑलरेडी इंटरेस्ट होता ही होता है, ठीक है? तो 44AA क्लियर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, 44AB क्लियर टैक्स ऑडिट, किसको कराना होगा? जिसका बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होगा उसे टैक्स ऑडिट कराना है। प्रोफेशन रिसिप्ट अगर 50 लाख से ज्यादा होगी तो उसे टैक्स ऑडिट कराना है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो पेनल्टी लगेगी कितनी? 0.5% ऑफ टोटल सेल या फिर 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम होगा। अब हम लोग 44AD की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन 44AD को पढ़ने से पहले हम लोग को प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम समझना होगा। प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम जैसे कि नाम से ही बोल रहा है, चल रहा है, एज्यूम से रिलेटेड है। कहता है क्या गवर्नमेंट, अगर आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, यू नो, ये किसके लिए बनाया गया? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कह लो कि आप का टर्नओवर एक लिमिट से कम है, जैसे कि अभी ऊपर की बात कर रहे थे, अगर हम इन्हीं की बात करें, ठीक है? तो अगर आप बिजनेस हो और आपका टर्नओवर अगर लेस देन 1 करोड़ है, और प्रोफेशनल हो और अगर आपका रिसिप्ट कितने से कम है, 50 लाख से कम है, देन आपको एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है? आपको एक ऑप्शन दिया गया है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस को कि आप क्या करो, आप अपने टर्नओवर का एक सर्टेन परसेंट एटलीस्ट प्रॉफिट शो कर दो, फिर आपसे कुछ भी हम ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस की आपको ज़रूरत है, ना टैक्स ऑडिट की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए, ठीक है? कहने का मतलब इस स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस को रिलैक्सेशन दिया गया, ठीक है ना? अब ये रिलैक्सेशन है क्या, किससे किससे रिलैक्सेशन दिया गया? 44AA एंड 44AB, आपको इन दोनों को ही कंप्लीट या कह लो फुलफिल नहीं करना होगा, ठीक? ऐसा किन के लिए है? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे बिजनेस की जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम हो। प्रोफेशनल्स की बात करेंगे, प्रोफेशन है अगर आपका रिसिप्ट अगर 50 लाख से कम है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने से आपको छूट मिलेगी और आपको टैक्स ऑडिट से तो ऑलरेडी छूट मिलेगी, ठीक है ना? तो इन दोनों चीज़ों से आप बच सकते हो और आपको इन सब चीज़ों पर फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। ये छोटे बिजनेसमैन क्या होते भाई, अब हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, पीएल बैलेंस शीट, इन सब चीज़ों में जाना, जर्नल एंट्री करना, कैश बुक पर डे करना, तो सब बिजनेस पे कहाँ ध्यान दे पाएंगे? तो इसलिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कि ठीक है, कोई टेंशन नहीं, अगर आपका 1 करोड़ से कम है, आप ग्रोइंग अभी आप बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करो, अभी बुक्स ऑफ अकाउंट चलो ठीक है नहीं कम्प्लीट कर पा रहे हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, इसके लिए कहा कि आप कम से कम अपने टर्नओवर का एक सर्टेन परसेंट प्रॉफिट शो कर दो। तो अगर आपका 1 करोड़ से कम है तो आप अपनी प्रॉफिट कम से कम कितना शो करो? 5% अगर किसके थ्रू सेल कर रहे हो, अगर बैंक के थ्रू है तो, यानी कि अगर आपने जो भी सेल किया है, अगर पेमेंट किससे ले रहे हो, बैंक से ले रहे हो, मतलब सामने वाले से पेमेंट किससे ले रहे हो, चेक से ले रहे हो या फिर कार्ड से पेमेंट ले रहे हो, ठीक है ना? अगर बैंक से अगर पेमेंट ले रहे हो तो ऐसे में 5% प्रॉफिट एटलीस्ट शो करो। अदरवाइज अगर आपका बैंक से नहीं, यानी अगर आप कैश सेल कर रहे हो, देन 8% प्रॉफिट अपना शो कर दो।
अगर क्या है कैश, कैश में बिजनेस कर रहे हो तो ठीक, आप इतना प्रॉफिट शो कर दो, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है, आपको टैक्स ऑडिट तो वैसे भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपसे कहा गया है कि 50% अपनी प्रॉफिट दिखा दो, जितना भी रिसिप्ट है, जितना भी रिसिप्ट हुआ है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, टर्नओवर का, सेल का 0.5% या 8% प्रॉफिट दिखाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हो, सीए हो, डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ये लोग आपको अपने रिसिप्ट्स का, अगर आपको 20 लाख रिसिप्ट हो, आपको 10 लाख रुपए अपनी प्रॉफिट शो करनी पड़ेगी। अगर आप इसे कम करोगे या बिजनेसमैन हो, 5% या 8% से कम कर रहे हो, तो ऐसे में आपको भी अपनी ऑडिट करानी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? अब सॉल्यूट था जो बिजनेस को ये जो रिलैक्सेशन दिया गया है कि 5% प्रॉफिट दिखा दो, 8% प्रॉफिट दिखा दो, इसका जो सेक्शन है, इसका सेक्शन है 44AD, और जो प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है उसके लिए सेक्शन डिफाइन किया गया 44ADA। तो ये दो सेक्शंस हैं जो बेसिकली इसको कवर करते हैं। ठीक, तो मैंने समरी मैंने छोटे में समझा दिया। अब इसी चीज़ को देखो अपने थ्योरी में क्या दे रखा है। देर आर अ नंबर ऑफ बिजनेस एंड सर्विसेज प्रोवाइडर हु इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन, जो कहीं ना कहीं अपने ऑपरेशन या बिजनेस को ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, अर्निंग सब्सटेंशियल इनकम बिकॉज उनकी अर्निंग भी उतनी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए पूरा फोकस उनका बिजनेस पे होता है आउटसाइड द टैक्स नेट। देन प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू ब्रिंग सच बिजनेसमैन एंड सर्विस प्रोवाइडर विद इन द टैक्स नेट। एट द सेम टाइम देयर इज अ लोअर कंप्लायंसेस कॉस्ट, ताकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस ना पड़े, कम से कम कंप्लायंसेस, कंप्लायंसेस मतलब पेपर वर्क होता है, तो कम से कम उन्हें पेपर वर्क करने पड़े फॉर सच टैक्स पेयर, एंड लोअर एडमिनिस्ट्रेशन बर्डन, और उनके ऊपर लोअर एडमिनिस्ट्रेशन बर्डन रहे। कहने का उन्हें पता चला अगर हम ये सारी चीज़ें उनसे मेंटेन करा रहे हैं तो उन्हें पता चला सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा, एक बंदे को रखना पड़ेगा, और वो सब अकाउंट्स अकाउंट देखेगा, तो उस पर उनका खर्चा ही होगा, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का बर्डन नहीं चाहिए अभी, क्योंकि वो अभी छोटे बिजनेसमैन है। सो इसके लिए बनाया गया ये प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम। ओके, द स्कीम ऑफ प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन फॉर स्मॉल बिजनेसेस इज ऑपरेटेड बाय टू सेक्शंस, 44AD एंड 44AE है। अब यहाँ देखो दो ही सेक्शन लिखे, लेकिन घबराओ मत, 44AD एंड 44ADA ये दोनों ही हैं। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, द असेसी शुड बी रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फर्म, नॉट LLP, LLP नहीं होना चाहिए। यानी कि ये सेक्शन सिर्फ किसके लिए है, इंडिविजुअल के लिए है, HUF के लिए है, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, और किसी के लिए नहीं है। ही हैज नॉट क्लेम एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA, 80HH, 80RRB। तो ये कुछ स्पेसिफाइड सेक्शन है, आप इनमें डिडक्शन क्लेम नहीं करोगे। ही शुड बी एंगेज्ड, डिडक्शन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसलिए अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। He should be engaged in retail trading or wholesale trading or civil construction or any other business. कोई भी business कर रहा हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक। अच्छा, किसी को अगर deductions के बारे में पता करना तो 10A section आप वैसे भी डाल के गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग आराम से पढ़ें, जब मैं deduction chapter पढ़ाऊँ तब। Total turnover, gross receipts in the previous year of the business should not exceed 2 crore. देखो यहाँ पे 2 करोड़ लिया है लेकिन अपने बुक्स में 1 करोड़ दिया है। चलो चटी के इस चीज़ को आप लोग, मैं अभी 1 करोड़ पे ही समझा रहा हूँ। ओके, आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा कि 44AD में, या चलो अभी कर लेते हैं ना गूगल, बाद में क्यों करेंगे। 44AD टर्नओवर लिमिट असेसमेंट ईयर 1920, सही तो है। 80 लाख टर्नओवर लेस देन 2 करोड़ एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AD कैन अडॉप्टेड टू द प्रीवियस ईयर स्कीम, ठीक है। ये 2 करोड़ हो गया भाई, तो हम लोग 1 करोड़ नहीं, अब हम लोग को 2 करोड़ लिखना चाहिए।
ओके तो यहाँ देखो दे रखा है सेक्शन 44AD एंड 44ADA, इनकम ऑफ बिजनेस 8%, प्रॉफिट और प्रोफेशन 50%। अब टर्नओवर लिमिट की बात करेंगे, अच्छा यहाँ पे 6% प्रॉफिट दिखा रहा है टोटल अमाउंट रिसीव डिजिटली, अगर अकाउंट से ट्रांसफर ले रहा है तो 6% प्रॉफिट इन्हें शो करना होगा। फॉर द पेमेंट रिसीव कैश, अगर कैश दिखा रहे हैं तो 8%, यानी 5% नहीं है, तो हम लोग अपने यहाँ पे नोट्स में सही कर ले, 5% नहीं है, 6% है। अगर डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं तो 6% प्रॉफिट दिखानी है, अगर कैश से पेमेंट ले रहे हैं तो ऐसे में कितना दिखाना है, ऐसे में 8% प्रॉफिट दिखाना है। और टर्नओवर भी यहाँ पे हम सही कर देते हैं, टर्नओवर 2 करोड़, ठीक है। और टैक्स ऑडिट यानी किसको करानी है, वहाँ तो 1 करोड़ दिया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल की लिमिट, तो प्रोफेशनल की लिमिट आई थिंक सेम है, प्रोफेशनल की लिमिट में नहीं चेंजेस हुआ होगा, 50 लाख ही होगा। तो यहाँ देखो दे रखा 44AD, सबको दिख रहा होगा कि अंडर एडी सेक्शन वुड बी 8% ऑफ टोटल टर्नओवर ऑफ द सेसी, ओनली द टर्नओवर ऑफ अ सेसी इज लेस देन 2 करोड़। इनकेस ऑफ टोटल टर्नओवर अ सेसी मेड मोर देन 2 करोड़, इनकम वुड बी कंप्यूटेड एज पर नॉर्मल प्रोविजन, तब तो नॉर्मल प्रोविजन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है क्या 44ADA की बात करनी थी हमें, 44ADA में ही फिर आगे भी दे रखा है, टू इनकरेज द बिजनेस टू रिसीव द पेमेंट डिजिटली टू गवर्नमेंट हैज ऑल्सो डिसाइड टू गिव द सेवरल इंसेंटिव्स। तो इंसेंटिव यही है कि आपको अपना 6% प्रॉफिट आपको शो करना होगा ऐसी सेल के ऊपर। देन आगे बढ़ते हैं, 44ADA नहीं दिया है क्या, यहाँ दिया 44ADA में, देखो यहाँ पे दे रखा 50% आपको अपनी प्रॉफिट शो करनी होगी, और यहाँ पे लिमिट देखो 50 लाख ही है। तो चलिए हम लोग सही हैं, बस वहाँ 2 करोड़ वाला पॉइंट हम लोग को सही करना था, हम लोग ने सही कर लिया, यानी बुक में सही लिखा था 2 करोड़। ओके सो आगे देखते हैं यहाँ पे, इफ़ अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड द इनकम ऑफ द बिजनेस 8% ऑफ टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट आपको शो करना होगा। यानी कि सच में बताएं तो अगर आपका बिजनेस है, अगर आप सच में 20% कमा रहे हो, कोई टेंशन नहीं, आप 8% प्रॉफिट दिखा दो, गवर्नमेंट आपसे कुछ नहीं पूछेगी। भले आप बिजनेस में कितना कमा रहे हो, 20% कमा रहे हो, 15% कमा रहे हो प्रॉफिट, बट आपको यहाँ लाइबिलिटी कितनी, अगर आप 8% प्रॉफिट शो कर देते हो, बात समझे कि नहीं समझे, अगर आप 8% प्रॉफिट अगर आप शो कर देते हो देन देर इज नो रिक्वायरमेंट टू फुलफिल 44AA 44AB। द सेसी कैन वॉलेंट्री डिक्लेयर अ हायर इनकम इन हिज रिटर्न। अब 8% से ज़्यादा भी अपनी प्रॉफिट दिखा सकते हो, बट रियली बताओ कोई जल्दी दिखाता नहीं है। और डिडक्शन, ऑल डिडक्शंस आर डीम्ड टू हैव बीन ऑलरेडी अलाउड, नो फर्दर डिडक्शन इज अलाउड, ठीक है। ऑल डिडक्शन आर डीम्ड टू हैव बीन ऑलरेडी अलाउड और नो फर्दर, और कोई अलग से डिडक्शन आपको नहीं दिए जाते हैं, ऊपर बता दिया था ये सारे डिडक्शन आप क्लेम नहीं करोगे। द WDV is calculated as if depreciation as applicable has been allowed. तो WDV method से आपको calculation करना होगा depreciation का, वो तो हम लोग पीछे depreciation chapter में पढ़े ही हैं। The assessee is exempted from payment of advance tax related to such businesses. और ऐसे businesses के लिए एक और खासियत होती है कि इन्हें advance tax जमा नहीं करना पड़ता है। अगर हम एडवांस टैक्स की हल्की से मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, तो ये है कि एडवांस टैक्स किसको देना होता है, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या 10,000 से ज़्यादा आती है तो आपको एडवांस टैक्स, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर के 31 मार्च तक ही आपको टैक्स जमा कर देना होता है। नॉर्मली प्रीवियस ईयर के इनकम पर हम असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं, लेकिन अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 या 10,000 से ज़्यादा आता है देन आपको प्रीवियस ईयर के 31 मार्च तक अपना सारा टैक्स जमा करना होता है, ठीक। लेकिन आप अगर किसमें, आप अगर सीनियर सिटीजन हो तो आपको ये नहीं जमा करना पड़ेगा, हाँ सीनियर सिटीजन हो और आपका हाँ PGBP की इनकम ना हो तो ऐसे में आपको एडवांस टैक्स नहीं जमा करना पड़ता है, चाहे आपकी जितनी भी इनकम हो। अगर आप सीनियर सिटीजन हो, सैलरी क्लास हो, तो आपको अगेन कोई एडवांस टैक्स नहीं जमा करना,
सकता है। प्लस आप यहाँ पे अभी एक एक चीज, अभी एक और चीज पढ़ लिए, 44 AD एंड 44 ADA में अगर आते हो तो अगेन आपको क्या नहीं देना है, एडवांस टैक्स जमा नहीं करना है। द असेसी इज सेल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये तो मैंने पहले बता दिया है। एन असेसी कैन डिक्लेयर हिज इनकम टू द लोअर देन द डीम्ड प्रॉफिट और गेन स्टेटेड इन अबव, तो सबको पता है डिक्लेयर कर सकता है लोअर देन द डीम्ड प्रॉफिट। लेकिन अगर सपोज करो, जैसे एक एक केस बता रहा है कि अगर सपोज करो आपके बिजनेस में 3-4% ही नफा है, तो आप क्यों दिखाओगे, आप क्यों जाके दिखाओगे कि हाँ मेरे को 8% प्रॉफिट हो रही है या 6% प्रॉफिट हो रही है। तब तो आप क्या करोगे, तब तो आप कहोगे कि नहीं नहीं हमें तो उससे 3% प्रॉफिट हुआ। अगर आप 3% यानी इससे कम प्रॉफिट दिखाओगे, देन ही विल हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AA इफ हिज टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट, ही विल हैव टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। ये किस केस की बात कर रहा है, अगर आप उस डीम्ड प्रॉफिट यानी जो एज्यूम किया जा रहा है 5-6% और 8% अगर उससे भी कम प्रॉफिट शो करते हो, तो आपको फिर 44AA भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे एंड ऑडिट भी कराना पड़ेगा। ठीक, मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ गई है। मैं फिर से बोल दूं, अगर आप, आपको पता रिलैक्सेशन कब दिया जा रहा है, अगर आप इसको फुलफिल करते हो तो इतना प्रॉफिट दिखा सकते हो। तो हो सकता है आपके बिजनेस में कितना परसेंट आपको प्रॉफिट होता है, 20%, ठीक है, लेकिन तब आप, अगर आपके बिजनेस में 20% प्रॉफिट हो रहा है और आपके लिए छूट होता है कि आप 6% प्रॉफिट शो कर दो अगर बैंक से है तो, अगर कैश से है तो 8% प्रॉफिट शो कर दो। ठीक, गवर्नमेंट आपसे कुछ भी नहीं पूछेगी और उसी प्रॉफिट पे आपसे टैक्स वसूलेगी, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर आप इससे भी कम प्रॉफिट शो करते हो, आप कहते हो सर मेरे को 3% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस में जिसमें बहुत कम मार्जिन होता है, तो ठीक है अगर 3% प्रॉफिट है देन आप क्या करो, तब आप 44A प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते, देन आपको क्या करना पड़ेगा, 44AA 44AB को फॉलो करना पड़ेगा। अब हम 44ADA पढ़ने वाले हैं। 44ADA में देखिए क्या है, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ठीक है ना, ये सेक्शन सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो ये कंडीशंस कंप्लीट करते हैं। द असेसी इज रेजिडेंट एंड एंगेज्ड इन एनी स्पेसिफाइड प्रोफेशन, असेसी क्या होना चाहिए, असेसी रेजिडेंट होना चाहिए और एंड एंगेज्ड इन द एनी स्पेसिफाइड प्रोफेशन, ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम डज नॉट एक्सीड्स 50 लाख, ठीक, ये तो हम लोग को पहले से पता है। इफ द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड then the income of the associate shall equal to 50% of total gross receipts. आपको पता है बहुत सारे लोग ये दिखाते नहीं होंगे 50% profit ज़्यादा, और एक बार तो ये सारे professionals चिल्ला रहे थे कि सर इसकी limit कम कर दी जाए, 50% की जगह पे 1/3 कर दो, यानी 33.33% profit कर दो। government ने 50% इसलिए किया ना, 50% आपको ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि कहते हैं कि professional के पास खर्चे ही कहाँ होते हैं, वो कोई product तो बेच नहीं रहा, अपने दिमाग बेच रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने उनके लिए बनाया गया 50% प्रॉफिट एटलीस्ट शो करे, यानी अगर 50 लाख कमाया तो 25 लाख रुपए एटलीस्ट प्रॉफिट शो करो उस पे टैक्स। और आपको पता है बहुत से लोग नहीं शो करते होंगे, तो जाहिर सी बात है उन्हें 44A 44AB दोनों मेंटेन करना है। ऑडिट कराइए अपना, देन रिटर्न फाइल करिए। ऑल डिडक्शंस आर डीम्ड टू हैव बीन ऑलरेडी अलाउड एंड नो फर्दर डिडक्शन इज अलाउड। अब इसमें कोई होता है कि आपको कोई फर्दर डिडक्शंस नहीं दिए जाएंगे। The WDV is calculated as if depreciation as applicable. So depreciation आप claim कर सकते हो, उसके लिए कोई tension नहीं है, depreciation assets पे हम claim करते हैं। And SSC can declare his income to lower than the deemed profit. आप अगर इससे कम profit दिखाना चाहते हैं 50% कम दिखाओ, लेकिन हाँ फिर आपको 44AA and 44AB दोनों follow करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से 44AD एंड 44ADA दोनों समझ में आ गए आप लोग को। तो ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में 44AD फॉर बिजनेस के लिए, 44ADA फॉर प्रोफेशन। अब इसी लाइन में एक और आ रहा है, वो है 44AE। 44AE इज आल्सो अ प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में ही आता है। ये किसके लिए बनाया गया है, ऐसे बिजनेसेस के लिए
जो फ्लाइंग, लीजिंग, हायरिंग का काम कर रहे हैं, जैसे होता ना गाड़ी वाड़ी भाड़े पे देना, ये सब का काम कर रहे हैं, तो ये किस बिजनेस है इसके लिए? इस तरह का जो बिजनेस करते हैं, ठीक है? जैसे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस नहीं होता, बहुत सारे लोग का ट्रकें चलवाते हैं, तो ऐसे बिजनेसेस के लिए बात हो रही है, ठीक है? तो बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स, कैरेज, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन का, जो ट्रांसपोर्ट ने अगर आपने नाम सुना होगा, तो जो ट्रांसपोर्ट वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रक वाले होते हैं, इनके पास चार ट्रक है, पांच ट्रक है, चलवाते हैं, ठीक है ना, उसको थोड़ा उड़ा कमाते हैं, उनके लिए बनाया गया है। और इसमें रिलैक्सेशन किसको दिया जाता है, ध्यान रहे, इसमें रिलैक्सेशन उन्हीं को दिया जाता है जिनका, जिनके पास जो व्हीकल है कितने से कम हो, लेस देन 10 हो, मतलब सॉरी 10 हो एटलीस्ट, 10 या 10 से कम, जो नंबर ऑफ व्हीकल होनी चाहिए वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर आपके पास नंबर ऑफ व्हीकल कितनी है, 10 या 10 से कम है, ठीक है, 10 और लेस देन 10, देन आपके लिए ये 44A सेक्शन है, यानी अभी आप छोटे ट्रांसपोर्टर हो तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। आप क्या करो, आप इनकम शो करो, कितनी इनकम शो करो, ये ध्यान से देखिए। अब इनकम शो करने के लिए क्या चीज़ दे रखा है, आप अपने बुक्स में दे रखा है, पहला तो 44A सेक्शन किसके लिए अवेलेबल है, आपको तभी ये 44A सेक्शन मिल सकता है जब आप ये कंडीशंस कंप्लीट करो। असेसी मे बी एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, मे बी अ रेजिडेंट, बस रेजिडेंट होने चाहिए। असेसी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरेजेस, ठीक है। द टैक्स पेयर ओन्स नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरेज व्हीकल, आपके पास 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं होनी चाहिए प्रीवियस ईयर में, ठीक है। और एक और कंडीशन है कि द एस्टिमेटेड इनकम फ्रॉम ईच गुड्स कैरेजेस मे बी हैवी हो, चाहे कोई भी हो, हैवी हो चाहे लाइट व्हीकल हो, है ना, शैल बी 7,005% एवरी मंथ। आपको एक व्हीकल के ऊपर 7,500 रुपये आपको इनकम शो करना पड़ेगा, ठीक है, हर मंथ, देन ठीक है, देन आपको फिर क्या करना है, देन आपको 44AB से आपको छुटकारा मिल जाएगा। एन इंडिविजुअल HUF ऑप्टिंग फॉर द अबव स्कीम कैन सबमिट हिज रिटर्न्स इन ITR 4। जितने भी लोग हैं, चाहे वो 44AD है, चाहे 44ADA वाले हैं, चाहे 44AE हैं, ये लोग प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में आ रहे हैं, और जितने भी प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम वाले होते हैं वो अपना रिटर्न फाइल करते हैं, उनके लिए फॉर्म होता है ITR 4, ठीक है। ये तो हम लोग रिटर्न्स में पढ़ेंगे भी, हम लोग रिटर्न्स में इसको कवर भी करते हैं। तो 44 इन लोग के लिए एक रिटर्न बनाया गया अलग से, इन्हीं के लिए सिर्फ स्पेस थी, ITR 4 है, ITR 4 में ये लोग अपना रिटर्न फाइल करते हैं। तो इनको कितना इनकम दिखाना है सर, 7,500 रुपीज़ दिखाना होगा पर मंथ पर व्हीकल। ध्यान रखना मैं इनकम की बात कर रहा हूँ, इनकम मतलब प्रॉफिट आपको इतना शो करना है हर व्हीकल पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हाँ हाँ खर्च और से घटाने के बाद जो प्रॉफिट आती है वो प्रॉफिट आपको शो करना, वही प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आपके पास अगर 6 व्हीकल है, ठीक है ना, तो आप जाहिर सी बात है कितना दिखाओगे, आपके पास 6 व्हीकल है, मल्टीप्लाई बाई 7,500 मल्टीप्लाई बाई 12 महीना, अगर 12 महीना पूरा अगर आपका चला है तो देन आपको 5,40,000 आपको अपनी इनकम प्रॉफिट शो करनी पड़ेगी एटलीस्ट। इससे कम प्रॉफिट अगर शो करेंगे देन आपको जाइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करिए, जाइए ऑडिट करवाइए, गवर्नमेंट को विश्वास नहीं होता कि आप इससे भी कम कमाया होगा, सीधी सीधी बात, ठीक। तो ये था प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम जो आज हम लोगों ने कवर किया, मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी अटेंडेंस कौन कौन है, सुशील है, अवनीश हैं, पलक हैं, पीयूष हैं, शिवांगी पांडे भी हैं आज, ओके,
वैष्णो में, ठीक है, अटेंडेंस मैं लगा दूंगा, कोई टेंशन नहीं आप, ठीक है, आज और कल भी थोड़ा सा इसी तरह से डिस्टर्ब रहेगा, दो तीन दिन तक कुछ काम है इस वजह से, लेकिन हाँ क्लासेस चलेंगी, ओके, सो हैव अ गुड डे, बाय।